वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई लोगों खैरियत से होंगे आप सब। आज हम आए हुए हैं ये स्वार रतनपुरा मुस्तकार भाई के घर पे, मुस्तकार भाई के परिंदों का शौक करने के लिए। ये मुस्तकार भाई हैं। मुस्तकार भाई बताइए। वालेकुम सलाम। कौन कौन से परिंदे आप पालते हैं जी? मेरा शौक तो शुरू से ही सहारनपुरी कबूतरों का रहा है। अच्छा, वही रख रखे हैं। अच्छा, कितने परिंदों का शौक रहा है आपका? लमसम वही 30 से 40 हो जाते हैं। अच्छा। पहले नफ्ते पाले, फिर टोपीदार पाले। अच्छा। अभी जो कलंच का शौक चल रहा है अपना। अच्छा अच्छा। अब जो है ताहिर भाई से जब से मुलाकात हुई है, दो एक जोड़े गैरों का भी शौक किया है। अब गैरों की तरफ लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो काफी पुराना शौक है आपका जी? काफी पुराना, लमसम हो गया 10 साल हो गए। आपने कितने रुपए तक की जोड़ जो है कलंच की रखी हुई है, कितने रुपए तक की पाल रखी है आपने जोड़? जी मेरे पास ऐसे मानिए अभी तो डिमांड हल्की है। जिस समय डिमांड थी उस टाइम 80-90 हजार रुपए तक की जोड़ मेरे पास जोड़ आपने रखी है। अच्छा, तो अभी आपके पास जो परिंदे हैं उनका जो है थोड़ा शौक कराइए। जी जी बिल्कुल। देखा आपके कलंच कबूतर हैं? जी जी, कलंच सलाईदार। अच्छा, ये लीजिए मुस्तकार भाई थोड़ा। हाँ भाई लोगों, इनके ये सहारनपुरी कलंच कबूतर हैं, पूरे सलाईदार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे हैं ये। बिल्कुल सफ़ेद चोंच, बिल्कुल पुखराजी आंखें, वैसे ही पलक हैं, सब सेम हैं, और नाखून भी वैसे ही हैं माशाल्लाह। ये मादा है नर? जी मादा है। ये मादा है। अच्छा, इसका नर, ये नर आ गया। ये लीजिए, ये नर है भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इनकी जितनी तारीफ की जाए कमी कम है। इसकी आँख का शौक करा दो। इसकी आँख का शौक करिए। ये लीजिए करीब से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पास में जो है सबसे पुराना नर ये ही है। जरा एक साथ दोनों को दिखा दो। लीजिए ये दोनों एक साथ दिखाइए आप परिंदे। मेरे पास में जो है सब इन्हीं के ही बच्चे हैं। अच्छा, इन्हीं कलंच के? जी जी जी, सबसे पुराने मेरे ये कबूतर हैं, इन्हीं के सब बच्चे बनवा रहे। चलिए बढ़िया माशाल्लाह। और शौक कराइए जरा, कलसरों का भी कराइए। ठीक है, मैं और कराता हूँ कलसरे। अच्छा, ये कलसरे आ गए जी। कलसरे सहारनपुरी कलसरे जी जी। ये नर है या मादा? ये नर है। अच्छा, नर है। खूबसूरत नर है भाई माशाल्लाह। आँख देखिए बहुत खूब। ओहो, नाखून भी वैसे ही। परिंदे बहुत अच्छे हैं, उड़ान भी बहुत है इसमें, बहुत बढ़िया। मादी का शौक करा दीजिए। ये मादा है, ये इसी की मादा। अच्छा, मादी ने भी नई पट्टी डाली। हाँ हाँ जी जी, नई पट्टी डाली है। इससे पहले बिछड़ी पड़ गई थी, उससे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए चेंज कर दी। ये देखिए, ये लीजिए जोड़े का शौक कराइए आप। अच्छा जोड़ा है आपका भाई। ये और आपको बतलाता चलूं भाई, जो भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हम ताहिर भाई ने जैसे बतलाया, सवार आए हुए हैं रतनपुरा मुस्तकार भाई की छत पर। आज इनके कबूतरों का आपको शौक कराएँगे। ये सहारनपुरी कलसरे हैं, इसके बाद में भी आपको शौक कराएँगे रामपुरी कबूतरों का। तो शौक कराएंगे भाई आपको रामपुरी कबूतर मुस्तकार भाई के। रामपुरी पैर रही है, ज़रा इसकी आँख का शौक करा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा पास में लाना कैमरा, तो देख सकते हैं भाई। ये तिल चढ़ी मादीन है ये। ये देखिए आप बिल्कुल पास से इसकी आँख का शौक कीजिए, रामपुरी मादीन ये, गजरी मादीन है ये। और इसका भी आपको नर का भी शौक कराएंगे। ये उसका नर है, बहुत खूबसूरत पैर है। और अभी आपको इसके बच्चों का भी शौक कराएंगे। अच्छी अच्छी नस्लें हैं मुस्तकार भाई के पास। ये देखिए भाई, ताहिर भाई की देन है, जो भी ये देते हैं बस इन्होंने लगा रखा है। ये हमें जो है नवीन वाले का पुत्र हुआ, इंशाल्लाह इनके उनसे कर लेंगे।
तो ये लीजिए, और आपको एक पैर का और शौक करा रहे हैं अभी। ये क्या मुफ्तिखर भाई? ये मदीन है। अच्छा, ये कलसरी मदीन, कलसरी सहारनपुरी मदीन है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत मदीन है। इसका नर का शौक कराएंगे, कलंच नर लगा रखा है। कलंच नर है ये, मदीन अंडों में आराम से पड़ेगा। ये बहुत खूबसूरत नर है भाई, पीली पलके हैं, पुखराजी आंख, वाइट चोंच, कलसिरा कलंच है, कटदार वाले हैं। अच्छा, कटदार वाले, हाँ ये कट लगा हुआ है इसके। खूबसूरत कबूतर है ये, वही जो मेरा पुराना कबूतर है, 10 साल पुराना, उसी के बच्चे हैं। अच्छा, उसी के बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। जरा और पास से शौक करा दीजिए आंख का। चलिए तो भाई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी एक एक पैर दिखाने में, तो आपको मुफ्तिखर भाई के सारे कबूतर हम एक साथ शौक करा रहे हैं। इसमें आप मुफ्तिखर भाई के कलसरे सहारनपुरी, कलसरे रामपुरी और सहारनपुरी कलंच, नीले कलंच, एक पैर लाल अमलसरा का भी है, सारे कबूतरों का आपको एक साथ शौक करा रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई आप कबूतरों की रंगत, ये देखिए आप, एक पैर ये लगा हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये एक सहारनपुरी कलसरा जो ये है, और बाकी कलंच कबूतर भी ऊपर ही बैठे हुए हैं। ये रंगत देख सकते हैं आप, पुराना शौक है भाई का सहारनपुरी कबूतरों का, अच्छे कबूतर बना रखे हैं भाई ने। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।